लतीफ़ों की दुनिया। वो धोखेबाज और बेवफा निकली। मैंने फ़ोन पर पूछा, कहाँ हो? तो बोली, अपनी दोस्त सदफ़ के साथ हूँ। हालांकि उस वक़्त सदफ़ मेरे साथ थी। नो। लतीफ़ों की दुनिया। काश दिलों के भी मर्दमशुमारी होती तो पता चलता किसके दिल में कितनी आबादी है। लतीफ़ों की दुनिया। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, नखरे नहीं वरना। मेरे मोहल्ले में मास्टर अतीक साहब रहते हैं। 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियां नोट की जो मेरे मतवक्को बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी जिसमें 40 खूबियाँ हों। और मास्टर अतीक हर साल 1-2 खूबियाँ काटते रहे। चलो ये खूबियाँ ना भी हों तो लड़की कबूल है। बिलाखर 40 साल हो गए और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रह गई कि औरत हो। लतीफ़ों की दुनिया। बीवी के मैके जाने पर शोहर उदास हो तो बीवी कहती है, जब भी मैं मैके जाती हूँ तुम मुंह बना लेते हो। अगर मुस्कुराए तो बीवी कहती है, कितने खुश हो तुम मेरे मैके जाने से। अब बेचारा शोहर करे तो क्या करे। लतीफ़ों की दुनिया। बीवी अपने शोहर से, आपको मेरी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती है या अकलमंदी? शोहर, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक याद बहुत अच्छी लगती है। लतीफ़ों की दुनिया। किताबों के एक बड़े स्टोर पर जाकर मैंने कहा, भाई वो किताब देना जिसका अनुमान है मर्द गाय का हुक्मरान होता है। काउंटर वाला लड़का हंस पड़ा और कहने लगा, सर मजाहिया किताबें ऊपर वाले फ्लोर पर हैं। दसो हुन ये भी कोई मजाक वाली गल है? लतीफ़ों की दुनिया। नई दुल्हन सर झुकाए बैठी थी। बुजुर्ग औरत वह बोली, कितनी तहजीब व हया वाली लड़की है। पीछे से आवाज़ आई, अम्मा जी ये घूंघट के नीचे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। नो।